Hello guys, welcome to online web tutorial presented by Profotec Solutions team. I am Sanjay. We are learning Laravel version 5.4 tutorials and this tutorial for perfect beginners. This is our part 23 of this video session series in which we are going to discuss about how can we set up our resource controller, migration as well as route for our student management application. As well, we will see about the layout for creating for less student as well as for add student. ओके सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में डिस्कशन करी थी और हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि हमने कैसे बनानी है अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं. और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर इस वीडियो सेशन में, तो हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हो ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए. ओके तो सबसे पहले मैं अपने इस एप्लीकेशन के लिए रिसोर्स कंट्रोलर, माइग्रेशन फाइल और राउट्स की सेटअप करूँगा. ओके तो सबसे पहले मैं अपने एडिटर में जाऊंगा. सबसे पहले मैं अपने HTTP कंट्रोलर्स और ये सारे कंट्रोलर्स हैं जो जितने हमने अभी तक बनाए हुए हैं. रिसोर्स कमांड के थ्रू हम एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे अपने इस एप्लीकेशन के लिए. ओके तो सबसे पहले मैं टर्मिनल पे जाऊंगा. PHP कार्टेशियन मेक कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर रिसोर्स, और ये हमारी यहाँ रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो चुकी है. ओके हम चेक करते हैं तो एडिटर में जाऊंगा और ये रही हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर. ओके ये वही सारे मेथड्स कंटेन करती है जो कि हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कशन करी थी. ये क्रेड ऑपरेशंस के सारे मेथड्स को ये स्टोर करती है. ओके अब साथ ही साथ मैं एक मॉडल बनाऊंगा, माइग्रेशन फाइल बनाऊंगा और राउट सेटअप करूंगा इसकी. ओके तो मैं इसे क्लोज करता हूं. सबसे पहले मैं web.php फाइल में जाकर के सबसे पहले इसके राउट सेटअप करूंगा. मैं web.php रिसोर्स स्टूडेंट एंड फाइनली स्टूडेंट कंट्रोलर. ओके तो मैंने सेव कर दूंगा. सेव करने के बाद मैं अगर चेक करता हूँ इसके राउट लिस्ट PHP पार्टीशन राउट लिस्ट. ओके तो ये सारे राउट्स आप देख सकते हो, लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट ID, स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट एंड एडिट. सो दीज आर द गाइज राउट्स हैं जो कि हम यूज़ करें अपने एप्लीकेशंस को रीडायरेक्ट करने के लिए. ओके एंड दीज ऑल राउट्स आर जनरेटेड बाई रिसोर्स कंट्रोलर. ओके तो ये हमारे राउटिंग की भी सेटअप हो गई है. साथ ही साथ जो हमें नेक्स्ट करना है वो एक मॉडल एंड माइग्रेशन फाइल जनरेट करनी है. ओके तो वापस से चलते हैं टर्मिनल पे और मैं जनरेट करूँगा यहाँ पर PHP पार्टीशन मेक मॉडल एंड हेयर इज स्टूडेंट. ओके ये सिमिलर होगी हमारी मॉडल की नेम तो सिमिलर. साथ ही साथ हमें एक माइग्रेशन फाइल बनानी है अपने इस एप्लीकेशन के लिए. तो गाइज मैं एक ही कमांड में मॉडल साथ साथ मैं माइग्रेशन फाइल क्रिएट करूँगा. ओके तो PHP आर्टिशन मॉडल स्टूडेंट इज द कमांड फॉर क्रिएटिंग अ मॉडल. बट अगर मैं सेकेंड पैरामीटर एज -m पास करूँ तो ये एक माइग्रेशन फाइल जनरेट करेगी. ओके तो मैं एंटर करता हूँ और ये मॉडल भी क्रिएट हो चुकी है, साथ ही साथ हमारी माइग्रेशन फाइल बन रही है. ओके हमने अपने एक सिंगल कमांड के थ्रू मॉडल क्रिएट किया एज वेल एज माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट करें. ओके तो चेक करते हैं उसे. तो ये रही हमारे स्टूडेंट नाम की मॉडल. ओके जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है. ये थी हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया. और माइग्रेशन फाइल चेक करते हैं डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, और ये रही हमारी माइग्रेशन फाइल. ओके तो इसके अंदर हम अपने फील्ड्स को सेटअप करते हैं. तो मैं इसे पहले कमेंट कर दूंगा, लिखूंगा टेबल स्ट्रिंग, हमें नेम चाहिए. ओके विथ नो डिफॉल्ट वैल्यू, कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. स्ट्रिंग हमें ईमेल चाहिए. ओके एंड फाइनली टेबल डेट टाइम
या हम टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर होगी हमारी क्रिएटेड डेट। ओके, तो बेसिकली गाइज हमने थ्री फील्ड सेटअप किए हैं अपने स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में, लाइक नेम, ईमेल एंड क्रिएटेड डेट। ओके, और फाइनली हम अपने एप्लीकेशन में टाइम स्टैम्प यूज़ नहीं कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट लेवल की, तो हमें मॉडल के थ्रू इसे मीन्स इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प मैथड के थ्रू। ओके, तो मैं इस पर यूज़ करूँगा मॉडल पे पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, इसके बारे में भी हमने अपने एक वीडियो सेशन में डिस्कशन करी थी कि अपने मॉडल के थ्रू हम कैसे टाइम स्टैम्प को बुलियन वैल्यू पास करके हम इसके अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट वैल्यू को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर लिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं जाके इसे माइग्रेट करूँगा, PHP पार्टीशन माइग्रेट। तो हमने सक्सेसफुली अपने टेबल को माइग्रेट कर लिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं डेटाबेस में। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और ये रही हमारे स्टूडेंट्स टेबल। ओके, और इसके ये फील्ड्स जो कि हमने सेट किए हुए हैं, तो बेसिकली हमने अपने रिसोर्स कंट्रोलर, राउट एज वेल एज माइग्रेशन की सेटअप कर ली हुई है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमें करनी है वो हमें लेआउट सेटिंग करनी है, और वो लेआउट सेटिंग हम करेंगे लाइक सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टूडेंट की लिस्ट, जहां हमें स्टूडेंट की लिस्ट को शो करनी है, और जो सेकंड लेआउट बनाऊंगा वहां होगी जहां से हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। ओके, तो फॉर लेआउट पर्पस के लिए गाइज हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, और बूटस्ट्रैप के लिए आप बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं बूटस्ट्रैप की फाइल को मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है बूटस्ट्रैप CDN लिंक से। जस्ट मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा ब्राउजर में, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, और ये इसकी CSS फाइल होगी जो कि अब डाउनलोड करनी है सेव फाइल, सेव एज पे क्लिक करके। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ये फाइल डाउनलोड किया हुआ है, और वो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर और CSS फोल्डर के अंदर रखनी है, और ये है वो फाइल जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओके, बूटस्ट्रैप main.css। तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर लोकली सेटअप कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ हमने लेआउट की सेटिंग के लिए बूटस्ट्रैप के कुछ फॉर्म्स, कुछ पैनल्स को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लेआउट की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इनको क्लोज कर दूंगा, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले जो हमारी इंडेक्स मेथड कॉल होगी वो क्यों कॉल होगी, क्योंकि अगर मैं चेक करूं इसकी राउट लिस्ट, PHP आर्टिशियन राउट लिस्ट, तो जब भी स्टूडेंट नाम की राउट कॉल होगी हमारी, तो ये गेट रिक्वेस्ट, अगर ये गेट रिक्वेस्ट होगी हमारी तो स्टूडेंट डॉट इंडेक्स मैथड हिट होगी। ओके, स्टूडेंट एट स्टूडेंट कंट्रोलर एट इंडेक्स। सो बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ गेट रिक्वेस्ट, अगर गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट URL को हिट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड कॉल होगी। ओके, जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे अपने स्टूडेंट्स को लिस्ट करने के लिए। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर राउट लाइक रिटर्न व्यू, स्टूडेंट नाम को मैं फोल्डर बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं इंडेक्स मैथड को कॉल करूँगा। ओके, मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाऊँगा, और इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सॉरी व्यूज के अंदर, स्टूडेंट। ओके, और इस स्टूडेंट के अंदर मैं क्रिएट करूँगा index.blade.php। साथ ही साथ मैं इस स्टूडेंट के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा लाइक लेआउट। ओके, इस लेआउट के अंदर मैं एक फिक्स लेआउट बनाऊँगा इस एप्लीकेशन के लिए, तो मैं इसे नाम दूंगा लाइक master.blade.php। ओके, तो मैं इसमें कुछ HTML की सेटिंग करूंगा लाइक HTML हेड बॉडी। ओके, यहाँ पर बॉडी होगी, उसके बाद हमारा टाइटल सेक्शन होगा टाइटल, एंड ईल डायरेक्टिव मैं यूज़ करूँगा अपने टाइटल को शो करने के लिए। ओके, यहाँ पर हो गया हमारी टाइटल, साथ ही साथ बॉडी में मैं एक और डायरेक्टिव डिफाइन करूँगा सेक्शन। ओके, लाइक बॉडी एंड शो। ओके, तो बेसिकली हमने टू डायरेक्टिव यूज़
करा अपने मेन लेआउट फाइल पे ई डायरेक्टिव एंड सेक्शन डायरेक्टिव ओके। साथ ही साथ मैं इस अपने फाइल पे मैं सीएसएस फाइल को भी लिंक करूँगा, बूटस्ट्रैप जो कि मैं डाउनलोड किया हुआ है, रिलेशन स्टाइल सीट एंड एचआरईएफ एंड फाइनली मैं यूज़ करूँगा इसके लिए यूआरएल ओके। यूआरएल मेथड यूज़ करूँगा, सॉरी हेल्पर यूज़ करूँगा यूआरएल। एंड ये जो फाइल है हमारी वो है सीएसएस फोल्डर के अंदर स्लैश बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस फाइल ओके। तो बाय यूजिंग यूआरएल हेल्पर गाइस आप अपनी सीएसएस फाइल को लिंक कर सकते हो अपने इस फोल्डर के थ्रू ओके। मैंने लिंक कर दिया हुआ है। तो अब मैं इंडेक्स फोल्डर के अंदर अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड्स, देन यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट ओके डॉट लेआउट डॉट मास्टर। ये पाथ हमने इसलिए दिया हुआ गाइज क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने जो लेआउट फाइल बनाई है अपनी मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल, वो पीएचपी फाइल हमारी मीन्स जो हमारी टेम्पलेट फाइल है वो लेआउट फोल्डर के अंदर और स्टूडेंट फोल्डर के अंदर है ओके। दैट्स वाई स्टूडेंट डॉट लेआउट डॉट मास्टर। तो इस तरीके से हमने वो पाथ दे दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं एक और सेक्शन डायरेक्टिव यूज़ करूँगा जहाँ पर मैं अपने टाइटल सेक्शन को डिफाइन करूँगा ओके। मैं लिखूंगा लाइक स्टूडेंट एप्लीकेशन लिस्टिंग ओके। साथ ही साथ मैं एक और सेक्शन डायरेक्टिव यूज करूंगा अपने बॉडी के लिए, बॉडी एंड फाइनली इंड सेक्शन ओके। तो मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं अपने इस राउट को चेक करता हूं ओके। तो मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और मैं टाइप करूंगा स्टूडेंट ओके। फाइनली वी हैव टू स्टार्ट आवर लोकल डेवलपमेंट सर्वर पीएचपी आर्टिशियन सर्व ओके। तो मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है, जस्ट प्रेस एंटर। तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया गाइस, अगर मैं कंट्रोल यू करूं सोर्स कोड के लिए तो ये रही हमारी एप्लीकेशन की मास्टर लेआउट फाइल जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है ओके। और ये है हमारी सीएसएस फाइल की अटैचमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये रही हमारी बूटस्ट्रैप फाइल जो कि हमने अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर सीएसएस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है ओके। तो मैं इसे क्लोज करूंगा। तो मैं इस पेज पे गाइस मैं लिस्ट शो करने वाला हूं और लिस्ट शो करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी ओके। सो मैं सबसे पहले एक पैनल बनाऊंगा अपने इस पेज पे। तो सबसे पहले मैं एक पैनल क्रिएट करता हूं। तो मैं स्क्रॉल करूंगा और ये पैनल को मैं कॉपी करूंगा ओके, बूटस्ट्रैप की मीन्स W3 स्कूल से। तो मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं अपने index.blade.php फाइल पे मैं इस सेक्शन के अंदर मैं इसे डिफाइन करूंगा ओके। और मैं यहां टाइप करता हूं स्टूडेंट लिस्ट ओके। और इसके पैनल कंटेंट के सेक्शन को रिमूव करके मैं यहां पर एक टेबल ऐड करने वाला हूं ओके। तो मैं चलते हैं W3 स्कूल्स पे और टेबल्स के लिए मैं क्लिक करूंगा बूटस्ट्रैप टेबल्स लिंक पे ओके। इस पर क्लिक करते ही हमें अपने डिफरेंट टेबल्स के लिए हमें कोड मिल जाएगी यहाँ से। मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ और जैसे कि हम ये टेबल यूज़ करने वाले हैं ओके। मैं क्लिक करूँगा ट्राई इट योरसेल्फ और यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ से इसके टेबल कोड को कॉपी कर लूँगा ओके। तो मैंने कॉपी कर लूँगा इसके कोड को और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा ओके। पेस्ट करने के बाद मैं अगर कुछ चेंज कर दूँ, समथिंग लाइक मैंने जो पैनल लिया हुआ अगर उससे डिफ़ॉल्ट के बजाय अगर मैं प्राइमरी सेट कर दूँ ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ओके। मैंने कुछ ज़्यादा जूम कर दिया हुआ है। तो ये है वो गाइस जो कि हमें स्टूडेंट लिस्ट को सेटअप किया हुआ है ओके, विदाउट रो एंड विदाउट कंटेनर ऑफ आवर बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो मैं इसे सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने मास्टर लेआउट फाइल पे जा करके मैं इस सेक्शन को div क्लास कंटेनर ओके और इसे मैं रैप करूंगा अपने div क्लास रो ओके और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा।
डायरेक्टिव को जहाँ पे हम डायनमिक कंटेंट को रेंडर करवा रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने इस कंटेनर में एक और क्लास दूंगा लाइक ओडब्ल्यूटी कंटेनर, ओके। और ओडब्ल्यूटी कंटेनर को मैं यहाँ पर एक स्टाइल के जरिए थोड़ा सा स्टाइल करूँगा लाइक स्टाइल, ओके। एंड फाइनली वी नीड टू ऐड, अगर मैं चेक करूँ कि इसकी लेआउट सेटिंग कैसी है अभी, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये, तो हमें ऊपर से मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत है, ओके। तो मैं इसे यूज़ करूँगा लाइक ओडब्ल्यूटी कंटेनर एंड मार्जिन टॉप इक्वल टू समथिंग 50 पिक्सल, ओके। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये रही हमारी स्टूडेंट लिस्टिंग, ओके। तो हम फील्ड नाम को भी थोड़ा चेंज कर दें। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो हमारे इस टेबल में सीरियल नंबर होगी, ओके, हमारा नेम, ईमेल एंड फाइनली TH मीन्स एक्शन, ओके। हमने 4 डिफरेंट कॉलम्स को क्रिएट किया और ये हमारे टी बॉडी में समथिंग, अगर मैं डिफॉल्ट डेटा शो करूँ फॉर नाउ 1 संजय कुमार sanjay@gmail.com। और फाइनली हमें 2 बटन्स क्रिएट करने हैं अपने इस एक्शन कॉलम के लिए जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसे डिफाइन करूँगा लाइक एंकर टैग एंड फाइनली एडिट, ओके। और जो दूसरी बटन होगी हमारी एंकर, वो होगी हमारी डिलीट बटन, ओके। तो मैं इसके अंदर अगर HREF सेट करूँ तो फिलहाल अभी ब्लैंक रखते हैं इसे, क्लास btn info, ओके। एंड फाइनली वी नीड टू गिव हेयर HREF ब्लैंक एंड क्लास शुड बी btn danger, ओके। तो मैंने ये 2 बटन अपने एक्शंस फील्ड के लिए बनाया हुआ है, बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा बाकी कॉलम्स को। मैं इसे डिलीट करता हूँ, ओके। इन कॉलम्स को मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं अपने पेज पे जाकर के मैं इंडेक्स फाइल को रिफ्रेश करूँगा, ओके। तो ये है गाइस जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड हमने एज इट इज़ डमी लिया हुआ है, जहाँ पर हमारे नेम, सीरियल नंबर, ईमेल एंड एक्शन, ओके। हमें एक और बटन बनानी है जहाँ से हम अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर पाएंगे लाइक ऐड स्टूडेंट बटन हियर, ओके। तो सबसे पहले मैं अपने फाइल पर जाऊँगा और पैनल के हेडिंग पर, ये हमारी पैनल की हेडिंग है, तो हम एक बटन को इस हेडिंग पर ऐड करना चाहते हैं, ओके। तो मैं लिखूँगा लाइक बटन, या हम एंकर टैग भी ले सकते हैं रिडायरेक्शन पर्पज़ के लिए, तो एंकर, और मैं यूज़ करूँगा HREF और ऐड स्टूडेंट, ओके, प्लस साइन हियर, और मैं लिखूँगा लाइक क्लास btn सक्सेस, ओके। तो अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये है हमारी ऐड स्टूडेंट की बटन, लेकिन हमें इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट के बजाय राइट करनी है, ओके। तो मैं यूज़ करूँगा एक और क्लास लाइक पुल राइट, ओके। मैं सेव करता हूँ और ये रही हमारी बटन ऐड स्टूडेंट, ओके। थोड़ी सी इसे स्टाइलिंग करनी होगी और इसे ऊपर करना होगा, ओके। तो मैं अगर इंस्पेक्ट करके इसे करूँ लाइक मार्जिन टॉप इक्वल टू -6 पिक्सल, ओके, दैट्स गुड, ये ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने फाइल पे, मैं इसे क्लास दूंगा लाइक ओडब्ल्यूटी बीटीएन, और इस क्लास को मैं स्टाइल करूंगा मास्टर लेआउट फाइल पे लाइक ओडब्ल्यूटी बीटीएन एंड मार्जिन टॉप शुड बी -6 पिक्सल, ओके। तो मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारी बटन की भी सेटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस बटन क्लिक पे हम एक फॉर्म पे जाएंगे, रिडायरेक्ट होंगे, और वो रिडायरेक्शन फॉर्म हमारी होगी लाइक, अगर मैं राउट लिस्ट चेक करूँ वापस से, PHP पार्टीशन राउट लिस्ट, ओके। तो जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्रिएट मेथड के अंदर जाएंगे और वो होगी हमारी गेट रिक्वेस्ट के थ्रू student/create, ओके। मीन्स हमारी जो राउट होगी वो होगी हमारे student/create,
ओके ऐसी डाउट होगी हमारी। तो सबसे पहले हम एक गेट रिक्वेस्ट के थ्रू पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कमांड लाइन मीन्स एडिटर के अंदर और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्रिएट मैथड। ओके और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा लाइक रिटर्न व्यू स्टूडेंट फोल्डर के अंदर क्रिएट मैथड मीन्स क्रिएट फाइल। ओके सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा लाइक क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके और मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा लाइक स्टूडेंट डॉट लेआउट डॉट मास्टर। ओके तो इस तरीके से हमने अपने मास्टर लेआउट फाइल को यहाँ एक्सटेंड कर लिया हुआ है। एक और डायरेक्टिव मैं डिफाइन करूँगा मैं टाइटल सेक्शन के लिए सेक्शन लाइक टाइटल और यहाँ यूज करूँगा लाइक स्टूडेंट एप्लीकेशन और ये होगी हमारी क्रिएट फॉर्म। ओके यहाँ पर हम क्रिएट फॉर्म को डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ मैं एक और डायरेक्टिव डिफाइन करूँगा लाइक सेक्शन और वो होगी हमारी बॉडी के लिए एंड फाइनली एंड सेक्शन। ओके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ लाइक क्रिएट फॉर्म। ओके मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अगर अपने ब्राउज़र पे स्टूडेंट स्लैश क्रिएट लिखूँ तो हमने शायद लोकल डेवलपमेंट सर्वर बंद कर दिया। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ पी एच पी आर्टिशन सर। ओके मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये रही हमारी क्रिएट फॉर्म। ओके मैं अगर कंट्रोल यू करूँ तो ये है उस सोर्स कोड जो कि हमने इनहेरिट किया हुआ अपने मास्टर फाइल से। ओके एंड हेयर इज क्रिएट फॉर्म विच वी हैव डिफाइंड अंडर बॉडी सेक्शन। हमने उसे अपने बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके तो मैं इसे रिमूव करूँगा। रिमूव करने के साथ मैं इस पे इसके अंदर एक पैनल बनाने वाला हूँ और उस पैनल के अंदर हम फॉर्म डिफाइन करेंगे। ओके सबसे पहले मैं अपने बूटस्ट्रैप पैनल क्रिएट करूँगा। बूटस्ट्रैप पैनल को क्रिएट करने के लिए मैं इसी पैनल के कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ओके एंड फाइनली मैं इसे डिफ़ॉल्ट के बजाय पैनल प्राइमरी करूँगा। ओके और यहाँ पर मैं लिखूँगा लाइक क्रिएट स्टूडेंट। ओके एंड फाइनली ये पैनल कंटेंट के सेक्शन के अंदर हमें एक फॉर्म को इंसर्ट करना है और वो फॉर्म को हम इसके बूटस्ट्रैप फाइल सीडीएन लिंक के थ्रू और ये रही हमारी बूटस्ट्रैप फॉर्म। ओके तो इसी के अंदर आपको कॉपी करना है इसके कोड को। तो मैं इसे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद हम फॉर्म जो बनाएंगे कुछ इस तरीके का बनाएंगे बूटस्ट्रैप हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ओके तो मैं इसके कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ओके तो मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को क्रिएट जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है तो ये रही हमारी स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट फॉर्म की लिस्टिंग। ओके तो साथ ही साथ अब मैं कुछ फील्ड्स को ऐड करूँगा। साथ ही साथ मैं इसे रिमूव करूँगा। रिमूव रिमेंबर भी बटन हमें नहीं चाहिए। साथ ही साथ सबमिट बटन की जगह पे हमें इसे सक्सेस शो करना है। ओके हमें पासवर्ड सेक्शन भी नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव करूँगा। रिमूव करने के साथ सबसे पहले हमें एक नेम फील्ड चाहिए तो मैं इसे कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा लाइक नेम। ओके और यहाँ यूज़ करूँगा लाइक नेम आईडी शुड बी नेम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड इंटर नेम। ओके और मैं एक और फील्ड ऐड करूँगा लाइक नेम इक्वल टू नेम। ईमेल के लिए फॉर इक्वल टू ईमेल इज़ राइट इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी इक्वल टू ईमेल प्लेस होल्डर इंटर ईमेल एंड नेम इक्वल टू ईमेल। ओके सो बेसिकली हमने ईमेल और नेम की फील्ड ऐड कर ली हुई है। ओके अगर मैं इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग करूँ तो मैं टैब शिफ्ट करूँगा इसे थोड़ा सा और इस तरीके से हमने अपने नेम एंड ईमेल सेक्शन को सेट कर लिया हुआ है। अगर मैं रिफ्रेश करके इसका हिस्से में रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो ये हमारे नेम एंड ईमेल सेक्शन। ओके लेकिन हमारी जो ये फॉर्म है गाइस और हमें एक बैक बटन भी चाहिए इस पैनल हेडिंग पे। ओके तो मैं अपने कोड पे जाऊँगा
और इस पैनल हेडिंग जहां हमने क्रिएट स्टूडेंट लिखा हुआ है हम वहां पर एंकर टैग यूज़ करेंगे एंड हियर इज बैक। ओके मैं लिखूंगा बैक और ये हमारी जाएगी लाइक HREF और ये कॉल करेगी हमारे URL हेल्पर को और मैं जाऊंगा URL हेल्पर के थ्रू अपने स्टूडेंट ओके स्टूडेंट एज अ गेट रिक्वेस्ट। तो मैं अगर इसे सेव करूं, सेव करने के बाद मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूं ओके बटन क्रिएट नहीं हुई, लेट मी चेक दैट। तो कोड पे चलते हैं और मैं यहां पर एक क्लास ऐड करूंगा इसके अंदर लाइक btn info ओके और इस बटन को मैं पुल राइट करूंगा ओके और फाइनली जो हमने क्लास बनाया हुआ था owtbtn वो मैं असाइन कर दूंगा। ओके अब हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और ये रही हमारी बैक बटन जो हमने बनाया हुआ है। ओके तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के साथ मैं चाहता हूं कि वो पेज रीडायरेक्ट हो student/create के बजाय स्टूडेंट ओके गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो मैं इस पर अगर क्रिएट लिखूं तो हम क्रिएट के अंदर चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस कि बैक बटन के क्लिक पे हम स्टूडेंट पे रीडायरेक्ट करेंगे। ओके तो चलते हैं और मैं क्लिक करूंगा बैक बटन हियर। तो ये बैक बटन पे क्लिक करते ही गाइस हम अपने स्टूडेंट के गेट रिक्वेस्ट के थ्रू स्टूडेंट पेज पे आ गए। क्लिक करते हैं इसे और ये रही हमारे स्टूडेंट URL। ओके अब हम चाहते हैं गाइस हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करें, अभी फिलहाल हमने राउट ऐड नहीं करी है। अगर हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो राउट चाहिए वो चाहिए student/create। ओके तो हम वो भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स फाइल पे जाऊंगा, इंडेक्स फाइल पे मैं इस एंकर टैग के अंदर URL हेल्पर के थ्रू मैं लिखूंगा लाइक student/create। ओके और अब चलते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो सबसे पहले मैं बैक जाऊंगा और क्लिक करूंगा ऐड स्टूडेंट पे और ये रही हमारे student/create पेज। ओके फिर बैक पे क्लिक करते हैं और ये रही हमारे स्टूडेंट लिस्ट पेज। तो बेसिकली गाइस हमने दो मींस लेआउट सेटिंग कर लिए है स्टूडेंट की लिस्टिंग के लिए साथ ही साथ हमारे ऐड स्टूडेंट फॉर्म के लिए। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम अपने मॉडल के थ्रू डेटा को रेंडर करेंगे डायनेमिकली इस फॉर्म मींस इस लिस्ट में। ओके क्योंकि अभी जो फिलहाल हमने जो डेटा शो किया हुआ वो स्टैटिक डेटा है तो हम इस डेटा को डायनेमिक कैसे बनाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड अगर हम सेव करते हैं अपने इस स्टूडेंट्स टेबल के अंदर तो हम उसे कैसे लिस्ट कराएंगे। ओके साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि हम अपने इस फॉर्म में जो कि हमने बनाया हुआ है इसे हम अगर सबमिट करें विदाउट फिलिंग तो इसे हम वैलिडेट कैसे करेंगे। ओके तो फिलहाल अभी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि गाइस हमने शायद अपने फॉर्म में राउट की सेटिंग नहीं की है। ओके तो मैं अगर जाऊँ से क्रिएट फाइल पे और यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूँ। ओके और ये जो कॉल करेगी वो होगी स्टूडेंट और इसकी जो मेथड होगी वो होगी हमारी पोस्ट मेथड। ओके और साथ ही साथ हमारे पास ये जो फॉर्म है लेरावेल के थ्रू हमें इसे एक CSRF टोकन पास करना पड़ेगा। ओके CSRF फील्ड तो मैं इसे सेव करता हूँ और अपने इस पेज को रिफ्रेश करूँगा वापस से, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये रही हमारे स्टूडेंट। अब इस ब्लैंक है पेज गाइस क्योंकि हमने वो जो रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू गई है। ठीक है और मैंने जो रिसोर्स कंट्रोल में डिस्कशन किया हुआ था वो ये था कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इस URL को हिट करते हैं तो वो स्टूडेंट और स्टोर मेथड के अंदर कॉल होती है। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसे हैंडल करेंगे कि हम उस डेटा को कैसे रेंडर करवाएं स्टूडेंट और स्टोर के थ्रू। ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइस देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल गिव माय रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।